नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में जो कि मैं बात करने वाला हूँ अपना लर्निंग लाइसेंस, जो कि आजकल लोगों का ऑनलाइन बन रहा है तो कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है लर्निंग लाइसेंस पेंडिंग की प्रॉब्लम। दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए एक एप्लीकेशन ओपन करके दिखा रहा हूँ जो कि हमने अप्लाई करा था। तो देखिए दोस्तों, ये है डेट, देखिए 7 जनवरी 2023 की डेट है दोस्तों। उस दिन है जो कि हमने लर्निंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई थी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमने जो कि है टेस्ट भी पास कर लिया था यहाँ पर, और यहाँ पर हमने सब कुछ फीस पेमेंट वगैरह सक्सेसफुल कर दी। यहाँ पर नीचे देखिए आप टेस्ट भी पास है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो कि है फर्दर एक्शन टू बी कम्प्लीटेड, यहाँ पर आप देखिए अप्रूवल ऑफ LLY लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज़ पेंडिंग, प्रिंटिंग ऑफ लर्निंग लाइसेंस भी अभी पेंडिंग में है दोस्तों, जबकि हमने जो कि टेस्ट वगैरह सब कुछ पास कर लिया है दोस्तों। तो कई लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, कईयों के में सिक्योरिटी नहीं प्रॉब्लम आ रही है, कईयों के में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है, तो कईयों के में LL टेस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है पेंडिंग में दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम से दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों, क्योंकि RTO के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्डन बढ़ गया है दोस्तों। तो हर लोग रोड डेली हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, रोड डेली हज़ारों लर्निंग लाइसेंस है जो कि RTO द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। तो इस वजह से यहाँ पर है जो कि आपका पेंडिंग में दिखा रहा है दोस्तों। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसके लिए कुछ दिन वेट करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको है जो कि आपने अगर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ सही सबमिट करवाया है और आपने LL टेस्ट भी सही से दिया और फिर भी पेंडिंग आ रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको वेट करना है दोस्तों थोड़ा सा। तो हमारा भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन है जो कि पेंडिंग है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, अब जो आपको आगे दिखाऊंगा मैं आपको वो जब ही शूट करूँगा जब दोस्तों हमारी जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी देखना ये हमें कि ये प्रॉब्लम कितने दिन में सॉल्व होती है। तो अब आपको उसी डेट की शूटिंग दिखाऊंगा जब हो जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व और अपना जो कि है लर्निंग लाइसेंस अप्रूवल सक्सेसफुली हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया है कि वो वीडियो शूट करी थी मैंने लगभग 7 तारीख को, हमने एप्लीकेशन के लिए टेस्ट दिया था दोस्तों, और आज है दोस्तों 10 जनवरी। तो आज की वीडियो मैं फिर शूट करने वाला हूँ क्योंकि हमारा जो कि है लर्निंग लाइसेंस अप्रूव हो चुका है दोस्तों। अब ये मुझे कैसे पता लगा कि हमारा लर्निंग लाइसेंस है जो कि अप्रूव हो गया है दोस्तों? तो आपके पास है जो कि कुछ इस टाइप का है जो कि मैसेज आएगा आपके फ़ोन में, और ये मैसेज जब ही आएगा दोस्तों जब जो कि आपका लर्निंग लाइसेंस सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा, जब ही आपको डाउनलोड करने का मैसेज आएगा दोस्तों। तो आज मैं फिर से है जो कि आपको अपना एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाऊंगा, देख सकते हैं यहाँ पे हम एम परिवहन की वेबसाइट पे आ गए हैं, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, जो भी आपका स्टेट हो वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। अब इस पॉपअप को काट देते हैं हम यहाँ पर, और इसको देखिए यहाँ पर आप देखिए एप्लीकेशन स्टेटस इस वाले ऑप्शन पर है जो कि आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल लेना है दोस्तों, और यहाँ पर अपनी DOB डाल लेनी है मतलब डेट ऑफ बर्थ, और नीचे कैप्चा कोड भर के है जो कि आपको इसमें सबमिट कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करते हैं देखिए हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर है जो कि ओपन हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको स्क्रॉल करके ले जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आप हमारा लर्निंग लाइसेंस नंबर है जो कि जनरेट हो चुका है दोस्तों, जो कि 7 तारीख को भी नहीं हुआ, 8 तारीख को भी नहीं हुआ था दोस्तों, लगभग 2 दिन बाद है जो कि अप्रूव हो गया है और प्रिंट भी हो चुका है हमारा लर्निंग लाइसेंस। यहाँ देख सकते हैं प्रिंटिंग ऑफ लर्निंग लाइसेंस कंप्लीट, अप्रूवल ऑफ LL बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो से मैंने आपको जानकारी ये दी है कि दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा वेट करना होगा दोस्तों, और जो मैक्सिमम वेट करने के डेज होंगे दोस्तों वो आपको लगभग 2 हफ्ते मतलब 14 से 15 दिन आपको वेट करना होगा दोस्तों। अगर 14 से 15 दिन में भी आपका पेंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों तो फिर आपके में कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों। आपको फिर भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली है जो कि अपना एप्लीकेशन नंबर लेके और जो आपने इसकी फीस पेमेंट करी है दोस्तों उसकी फ़ोटोकॉपी लेके, अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके आपको सिंपली है जो कि अपने RTO में विजिट करना होगा दोस्तों, क्योंकि 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, 15 दिन के अंदर ही लगभग हो जाता है सभी का। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लर्निंग लाइसेंस नंबर आ गया है। तो अब जो कि हम अपना लर्निंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप में सीधा कोई ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, वहाँ आपको लिख देना है एम परिवहन, जो आपको ये पहली वेबसाइट दिख रही है इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों।
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर जो कि आपको ऑनलाइन सर्विसेज में आ जाना है दोस्तों, यहाँ पर जो है और नीचे आपको सेकंड नंबर पर मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अब यहाँ पर है जो कि दोस्तों आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जहाँ से भी आपने अप्लाई करा है स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है दोस्तों। और जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं ये कुछ इस टाइप का पॉपअप ओपन हुआ है, इसे कट कर देना है आपको। और जैसे आप कट कर देते हैं यहाँ पर आएंगे आप लर्निंग लाइसेंस, आपको ये पहले ही ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा लर्नर लाइसेंस, इस वाले ऑप्शन पे है जो कि आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। तो जैसे हमने क्लिक करा है यहाँ पर देखेंगे आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म 3। तो दोस्तों आपके में भी कुछ इस टाइप का शो होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे प्रोसीड कर देना है आपको। अब जैसे ही आप जो कि है प्रोसीड कर देंगे इसको, आपके पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा। तो आपको लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए तीन ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहो तो एप्लीकेशन नंबर और लर्निंग लाइसेंस नंबर या फिर मोबाइल नंबर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो हम जो कि है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर से करेंगे डाउनलोड अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर डाल देना है आपको, डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट कर देना है आपको। तो सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे है जो कि एक ओटीपी आएगा, जो कि आपने एप्लीकेशन के वक्त जो फ़ोन नंबर लगाया होगा उसी पे ओटीपी आएगा आपका 6 डिजिट का। तो आपको अपने मोबाइल नंबर में से अपना ओटीपी देख के यहाँ पर टाइप कर देना है दोस्तों ओटीपी, और सबमिट कर देना है आपको अपना ओटीपी। तो जैसे ही हमने सबमिट करा दोस्तों यहाँ पर देखिए अपनी जो कि है लर्निंग लाइसेंस की पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है दोस्तों। आप चाहो तो इसको है जो कि हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं जाके साइबर कैफे में, या आपके पास प्रिंटर हो तो आप खुद भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ये जो कि आपका वैलिड रहता है लगभग 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी होती है, और लर्निंग लाइसेंस प्रिंट होने के 1 महीने बाद जो कि है आप अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों, और जो कि आप अपना परमानेंट टेस्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि पेंडिंग की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या क्या करना होगा और क्या क्या नहीं करना होगा दोस्तों। और वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।